हेलो गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे किचन में पाइन एप्पल केक बन रहा है। तो गाइस ये देखिए, मैं वीडियो जल्दी बन जाए इसलिए मैं केक को चढ़ाई हुई हूँ। ये देखिए हमारा केक हो चुका है और मैं इसे कवर कर दे रही हूँ। एक पाइन एप्पल जेल बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं पैन चढ़ा दी हूँ गैस पे, और इसमें मैं एक कप पानी डाली हूँ और इसमें आधा कप चीनी डाली। एक कप मैं पानी ली हूँ, आधा कप मैं चीनी ली हूँ, और इसमें मैं दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर ली हूँ। सारे को मैं मिक्स करके अब चलाती हूँ। ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लावर, शुगर, पानी का सिरप तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें एक पिंच मैं इसमें फूड कलर डाल दी। ये देखिए हमारा कलर कितना अच्छा हो गया फ्रेंड, और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। तो गाइज ये देखिए कितना सिल्की और स्मूथ ये देखने में लग रहा है। और नेक्स्ट मैं इसमें दो चम्मच पाइन एप्पल क्रस डाल दी हूँ। ये मैं बना के अपने फ्रीज में रखती हूँ, ये 2 महीने तक आपका जो है खराब नहीं होता है। इसका भी मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हूँ। तो गाइस ये देखिए हमारा जेल बनके तैयार हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर दी हूँ, थोड़ा सा मैं इसे और स्मूथ और सिल्की करूँगी ताकि ये इसमें ग्लेज आ जाए। ये देखिए, और थोड़ी सी मैं इसमें पाइन एप्पल एसेंस डालूंगी। थोड़ी सी मैं पाइन एप्पल एसेंस डाल दी हूँ और इसे बंद कर देती हूँ। ये आपका ऑलमोस्ट 5 मिनट में तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा जेल हमारा बनके तैयार हुआ। इसे मैं ठंडा होने रख देती हूँ। ये हमारा केक भी ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें से बटर पेपर को हटा देती हूँ। तो गाइस हमारा केक भी तैयार हो गया है, फूड जेल भी बन चुका है। अब नेक्स्ट मैं अपने व्हिप्ड क्रीम की ओर आती हूँ। इसे देखिए मैं ढक के व्हिप्ड क्रीम को फ्रिज में रख देती हूँ। इसे फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखती हूँ, और इसे फॉइल पेपर या क्लिंग फिल्म से आप ढक के रखें तो इसमें क्रिस्टल नहीं आता है। तो देखिए अभी भी हमारा ये अच्छा है। अब मैं इसे थोड़ा सा फेट देती हूँ, और जब भी आप इसे फेटें तो फ्रेंड कम वो पे फेटें। तो गाइज ये देखिए, ये नॉन डेरी प्रोडक्ट है। मैं इसे पहले कम पर ही फेट रही हूँ। इसको फेटना बहुत इजी होता है। 2 मिनट पहले आप इसे इसका लेवल कब रखें। तो गाइज ये देखिए, अब मैं इसे फुल पे करके 2 मिनट और कर देती हूँ। गाइस ये देखिए, इसे मैं पलट देती हूँ। ये देखिए, इससे ज़्यादा इसे आप फेटेंगे तो ये अपना बटर छोड़ देगा। इट मीन्स हमारा व्हिप क्रीम रेडी है। केक को 2 पीस कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 लेयर का केक बना रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा से हमारा केक कट चुका है। ये देखिए कितना अच्छा कटा है। और ऊपर का मैं हटा दी हूँ, इसके ऊपर जो था इसे मैं हटा दी हूँ। बन चुका है। अब मैं इसका डेकोरेशन कर रही हूँ। इसके लिए मैं शुगर सिरप, अच्छे से शुगर सिरप डालने से आपका केक मॉइस्ट रहता है, आपके मुंह में जाके ये बिल्कुल घुल जाता है और जल्दी ख़राब नहीं होता है। और अब मैं इसमें
अपने क्रीम को डाल देती हूँ। इसे मैं चाकू से ही पहले फर्स्ट कोटिंग इसकी मैं कर दे रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इस पर छोटे छोटे पाइनएप्पल स्लाइस जो है ये भी मैं बना के रखती हूँ। इसे मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ अपने क्रीम के ऊपर। ऐसे क्रीम से ही मैं इसे कवर कर देती हूँ। मैं इसे ऊपर में अच्छे से ये देखिए दबा के, और इस पर भी मैं शुगर सिरप अच्छे से डाल दे रही हूँ। फ्रेंड, ये क्रीम डाल दे रही हूँ, व्हिप्ड क्रीम। ये देखिए, और इसे नाइफ से ही मैं अच्छे से चारों तरफ मिला के, ये देखिए एक कोटिंग मैं कर दी हूँ। और अब मैं इसे सेट होने के लिए फ्रिज में 10 मिनट छोड़ देती हूँ। तो फिर मैं इसकी अच्छे से कोटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, ये देखिए मैं इसे फ्रिज में रख दी थी, ये क्रम्ब हो गया है। अब मैं इसे देखिए इसकी डेकोरेटिंग कर रही हूँ। अभी बहुत गर्मी हमारे यहाँ है, इसलिए हमारा जो क्रीम है वो बिल्कुल मेल्ट हो जा रहा है। ये देखिए, और अब मैं गाइज, ये देखिए हमारा केक का व्हिप्ड क्रीम है, वो बहुत फटाफट मेल्ट हो जा रहा है। बहुत परेशानी हुई मुझे इसे बनाने में। और अब मैं इसे चेरी से देखिए गाइस, ये देखिए हमारा केक पाइनएप्पल केक रेडी टू ईट है। तो आप भी अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पाइनएप्पल केक की पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और कमेंट्स ज़रूर दें फ्रेंड कि हमारी ये पाइनएप्पल की रेसिपी आपको कैसी लगी। घर में बनने की तो बात ही कुछ और होती है, मार्केट से हम लोग लाते हैं उसमें क्या डालता है पता नहीं चलता है। इसे हम अपने आँख के सामने बनाते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।